हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैरामाउंट विजन। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू सिविक्स पॉलिटिकल साइंस क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एज वेल एज जैक बोर्ड। द चैप्टर्स नेम इज पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग। एज पर योर रिक्वेस्ट, एज पर योर डिमांड्स, आई वुड लाइक टू टीच एज यूजुअल इन हिंदी एट फर्स्ट एंड देन आई वुड एक्सप्लेन इन इंग्लिश, सो दैट बोथ बोर्ड्स, हिंदी मीडियम और सीबीएसई बोर्ड्स, स्टूडेंट्स कैन गेट बेनिफिट। प्यारे बच्चों, सत्ता की साझेदारी आपके नागरिक शास्त्र क्लास 10 में पहला चैप्टर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सत्ता की साझेदारी, पहले समझिए सत्ता क्या हुआ। सत्ता का मतलब सरकार, सिस्टम जो आप पर शासन चलाती है। उस सिस्टम में जब सारे लोगों की हिस्सेदारी हो जाएगी, भागीदारी हो जाएगी, तो उसे कहेंगे सत्ता की साझेदारी। हमारा देश एक विशाल देश है, विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं। यहां क्षेत्रीय विषमताएं हैं, खान पान में विषमताएं हैं, रहन सहन में विषमताएं हैं, बोली चाली में विषमताएं हैं, हर चीज में विषमताएं हैं। तो जरूरी है कि सारे लोगों की भागीदारी सरकार में हो, सत्ता में हो। जब यह प्रक्रिया होती है तो यह सत्ता की साझेदारी कहलाती है। अर्थात यदि किसी भी सरकार में, किसी भी सिस्टम में, संस्था में बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के, सभी जातियों के, सभी समुदायों के, सभी धर्मों के, स्त्री पुरुषों की समान भागीदारी हो, समान अनुपात में भागीदारी हो, तो उसे सत्ता की साझेदारी कहेंगे। आप उदाहरण दे सकते हैं कि किसी भी देश में किसी जाति के 80% लोग हैं और दो अलग अलग जाति के 10-10% लोग हैं, तो जिस तरह लोग हैं 10-10%, उनका उस अनुपात में अगर सरकार में नियंत्रण रहता है, सरकार में हिस्सेदारी होती है, तो वो सत्ता की साझेदारी हो गई। उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, गरीब को भी सत्ता में हिस्सेदारी मिले, अमीर को भी सत्ता में हिस्सेदारी मिले, हर जाति के लोगों को मिले, स्त्री को मिले, पुरुष को भी मिले। ये लोकतंत्र की आत्मा है प्यारे बच्चों। सत्ता की साझेदारी यदि ना हुई तो लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता है। सत्ता की साझेदारी आप अगर विशिष्ट अर्थ में लिखना चाहेंगे तो सत्ता की साझेदारी लिखेंगे, सत्ता की साझेदारी का अर्थ है सत्ता में, किसी भी देश की सत्ता में, किसी भी देश की सरकार में वहां रहने वाले सारे निवासियों का बिना भेदभाव का सत्ता में हिस्सेदारी, सत्ता की साझेदारी कहलाती है। किसी देश में रहने वाले नागरिक, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी समुदाय के हों, किसी भी जाति के हों, स्त्री हों, पुरुष हों, अगर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता है और उन्हें बिना भेदभाव का सत्ता में समान हिस्सा मिलता है, न्यायिक हिस्सा मिलता है, उचित हिस्सा मिलता है, तो यह सत्ता की साझेदारी कहलाती है। एग्जाम्पल आपको मैं फिर से एक बार दे रहा हूं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी लेंगे, आप भारत का कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी लेंगे, लोकसभा का या विधानसभा का, वहां देखेंगे कि हर जाति के लोग रहते हैं। तो कोई भी जाति के लोग वहां पर खड़ा हो सकते हैं, चुनाव में, इलेक्शन में, इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन कुछ स्थान पर क्या होता है कि कुछ जातियां जो दबी कुचली है उनको आरक्षण दिया गया, वो सीट आरक्षित कर दिया गया है। क्योंकि अगर आरक्षित नहीं किया जाता तो वहां रहने वाले जो दबंग वर्ग हैं वो विजेता बनते हैं हमेशा, लेकिन आरक्षित वर्ग को वोट देकर सारे लोग, यहां तक कि दबंग वर्ग के लोग भी उसे पार्लियामेंट भेजते हैं, असेंबली भेजते हैं,
ये सत्ता की साझेदारी है। आप देखें बिहार में नीतीश कुमार जी ने जितना भी लोकल निकाय है, स्थानीय निकाय है, 50% सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया, यानी महिलाओं को सत्ता में भागीदारी दे दी है। उदाहरण है सत्ता की साझेदारी की। हमारे यहाँ पूरे देश में 33% सीटें आरक्षित है महिलाओं के लिए स्थानीय निकाय में, लेकिन नीतीश कुमार जी ने, बिहार की सरकार ने उसे 50% दे दिया है। आधी आबादी महिलाओं की है तो अनुपात बनता है आधा, ये सत्ता की साझेदारी है। अब आएंगे इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है। सत्ता की साझेदारी का व्यापक महत्व है। अगर सत्ता की साझेदारी रहेगी सही ढंग से तो देश में कलह नहीं होगा, देश तरक्की के राह पर चलेगा, समुचित आर्थिक विकास होगा, कोई गृह युद्ध की संभावना नहीं रहेगी, हर भाषा का विकास होगा, हर धर्म का विकास होगा, समाज में भाईचारा और समरसता बढ़ेगी, देश की एकता और अखंडता बनी रहेगी, लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे। कुल मिलाकर लोकतंत्र कायम होगा, लोकतंत्र सफल होगा, समाज तरक्की के रास्ते पर चलेगा। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है सत्ता की साझेदारी। डियर स्टूडेंट्स, एट फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ पावर शेयरिंग, मैनी काइंड्स ऑफ पीपल, इट मींस बिलोंग्स टू मुस्लिम, बिलोंग्स टू हिंदू, बिलोंग्स टू क्रिश्चियन, बिलोंग टू फॉरवर्ड, बिलोंग टू बैकवर्ड, ओबीसी, एससी, एसटी, माउंटेनस पीपल, डिजर्ट पीपल, पीपल लिविंग इन प्लान, पीपल लिविंग इन प्लेट्यू, पीपल ऑफ कोस्टल रीजन, ए लॉट ऑफ डाइवर्सिटी कुड बी सीन इन आवर सोसाइटी when all the people are given equal and proper and fair power sharing in government, in institution, it is known as power sharing. Power sharing means sharing of power among all groups living in the country without any discrimination. There will be no discrimination on the basis of caste, creed, sex, anything will not be occurred in the society. Then it will be power sharing. So what is power sharing? Power sharing is the sharing the power of the government among its citizens without any discrimination, fairly, properly, and in a logistic way. For example, India is a vast country. It has a lot of varieties. People of different class, different sect, different groups, different caste live here. But they were given in our constitution equal right. It is power sharing. Even a SC ST candidate also become the highest post holder. Mr. Ramnath Kovind belonged to SC community once before independence. That community was known as untouchable, but today he hold the highest position of our country. It is power sharing, my dear. It is the example of power sharing. Mr. Hemant Soren, the Chief Minister of Jharkhand, belongs to ST community. Once, this community was treated harshly before independence, but today, he was the chief of the state. He was the chief of the government. It is the power sharing. It is the example of power sharing, dear students. You can easily give the example, a lot of examples in your country of power sharing. Now, importance. Power sharing is the soul of democracy.
इट इज द एश्योरेंस ऑफ द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इफ वन वॉन्ट्स टू मेक सक्सेस डेमोक्रेसी इन द कंट्री पावर शेयरिंग इज नेसेसरी इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ डेमोक्रेसी फॉर इट्स सक्सेस पावर शेयरिंग डिक्लाइंस द एनी चांस ऑफ सिविल वॉर पावर शेयरिंग प्रोवाइड्स facility all the people to develop their culture, their languages, their religion, everything. It is the guarantee of all around development of the society. There will be peace in the country. There will be unity and integrity in the country. There will be love and brotherhood in the country. Only when it is power sharing in the country. So dear students, I think and I hope you can understand easily the term power sharing, its definition, its examples and its importance. For further lesson, next day I will again before you. So I would like to request you, please share and like this video to the maximum students so that they can get benefit and please subscribe my YouTube channel Paramount Vision. Thank you very much. Bye bye.